ये है हमारे देश की सबसे शीर्षतम अदालत, हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायालय। और आज है 12 अगस्त, और इन्होंने आज एक फिर से एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। और फैसला क्या है देखिए, फैसला है डाउटर्स हैव इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स अंडर द अमेंडेड हिंदू सक्सेशन एक्ट। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या है, इसको आप अच्छे तरह से समझ लो। हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या है, यह कहता है, ये सक्सेशन एक्ट 1965 में हमारे सामने आया था, और इसके तहत पिता की संपत्ति पर पुत्रों का अधिकार, अब तक इसमें पुत्रियों का अधिकार नहीं था, लेकिन 2005 में सुप्रीम कोर्ट में जो नया कानून आया उसके तहत पार्लियामेंट में इसे संशोधित किया गया, और पुत्रियों को भी अब 2005 के बाद पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार दिया गया है। तो अब यह समझिए कि 1965 से, मैं यहाँ थोड़ा कुछ लिखता हूँ आपको, 1965 में यह कानून आया, और 2005 में ये कानून में एक अमेंडमेंट लाया गया, जिसके तहत अब लड़कियों को, चाहे विवाहित हो या ना हो, उनको अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा। तो अब ये देखो, इस पर फिर सवाल उठा था और क्वेश्चन आ गया कि अगर किसी के पिता की मृत्यु 2005 के पहले हुई हो तो क्या स्थिति बनेगी। तो आज जो ये आया है कि 2005 के बाद अगर पिता की मृत्यु पहले हुई हो अगर, तो वैसी स्थिति में भी लड़कियां जो हैं उनका बेटों के समान ही हर स्थिति में समान अधिकार होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। डॉटर्स इंटाइटल्ड टू इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स इवन इफ फादर डाइड बिफोर 2005 लॉ केम इन टू फोर्स। ठीक है, अब ये ज़रा सा देखो, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि एक बेटी को अपने पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार है। ठीक बात है, अदालत ने कहा कि संशोधित मतलब अमेंडेड एक्ट के तहत बेटियां का यह अधिकार होगा, और बेटियां हमेशा बेटियां ही होती हैं। कहा कि हिंदू महिला को अपने पिता की संपत्ति में भाई के समान ही हिस्सा मिलेगा। अब जो है, एक जो अभी जो एक्चुअली मंगलवार को क्या फैसला आया है वो यह है कि 9 सितंबर 2005 के बाद, मतलब इसी दिन यह कानून लागू हुआ था, बेटियों के अविभाजित परिवार मतलब HUF की बात कर रहे हैं, तो हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में नहीं हिस्सा मिलेगा। बता दें कि 2005 में यह कानून बना था, और बेटा और बेटी दोनों को संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो तब क्या स्थिति बनेगी। तब ऐसी स्थिति में जो मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया है अरुण मिश्रा की अगुवाई में, तो उसमें यह बिल्कुल क्लियर हो गया कि चाहे वह 2005 के बाद पहले ही पिता क्यों ना मरा हो, वैसी भी स्थिति में पिता की संपत्ति पर बेटी को बेटे के बराबर का ही अधिकार मिलेगा। धन्यवाद।